देश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग 7 चरणों में हो चुकी है। अब 4 जून को मतगणना होनी है, लेकिन मतगणना से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिखाया गया है। बहरहाल, हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल जी हैं, पार्टी के प्रयागराज के दफ्तर पर पहुंचे हुए हैं। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार नेता हैं, उन्हें काउंटिंग को लेकर के दिशा निर्देश दे रहे हैं। श्याम लाल जी, जो एग्जिट पोल आए हैं, क्या कहना है इस पर? लोकसभा 2024 का चुनाव भारतीय संविधान के बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण के बचाने के लिए हुआ। यहाँ का किसान बिल्कुल पूरी तरह से आत्महत्या कर रहा है, नौजवान फांसी के फंदे पर जा रहा है, तो देश के नौजवानों ने, किसानों ने, महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के सवाल पर इस समय भारतीय संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मंसूबों पर पानी न फिरने पावे, इसके लिए लोकतंत्र में 2024 के लिए इंडिया अलायंस को पूरी तरह से उड़ दिया है और इंडिया अलायंस के सभी प्रत्याशी, लगभग 300 प्रत्याशी लोकसभा की सीटों को जीत करके अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो भी एग्जिट पोल आए हैं, तकरीबन हर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 350 से लेकर 400 सीटें दिखाई जा रही हैं। एग्जिट पोल जो लोग दिखा रहे हैं उनके एग्जिट पोल को जनता ने गांव में ध्वस्त कर दिया है। ये झूठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग झूठे हैं और झूठे इनके एग्जिट पोल हैं। इसी प्रकार से इन्होंने दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल को पूरी तरह से फेल कर दिया था, लेकिन केजरीवाल की पार्टी आम पार्टी 70 सीटों में 67 सीट पाई और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी पाई। पूरा खेल उनका दिल्ली में ध्वस्त हो गया था। वही चीज़, वही उदाहरण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ देश का किसान, नौजवान, महिलाएं उमड़ करके आई हैं और इतना उमंग है इंडिया अलायंस के लोगों को वोट देने में, इतना हर्ष है उन्हें कि हम इस सरकार को बना करके नौजवानों को नौकरी मिलेगी, किसानों को सीधा सीधा उनको लाभ मिलेगा, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तमाम मुद्दों पर ले करके मतदाता वोट देने का काम किया है 2024 में। मतलब आपका कहना है कि जो एग्जिट पोल है और जो एग्जैक्ट पोल 4 को आएगा, दोनों में फ़र्क रहेगा? बहुत फर्क, इतना फर्क आप कभी देखेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है देश से। उत्तर प्रदेश में आप क्या संभावनाएं देखते हैं, क्या आकलन है आपका? उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की 70 सीटें आएंगी। 70 सीटें? अभी पिछले दिनों जब आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ पे आए थे तब आप 79 सीटों का दावा कर रहे थे, 9 सीटें घटा दी आपने। 79 सीटों का दावा कर रहा था, अभी चुनाव हो, चुनाव के नतीजे चढ़ते उतरते रहते हैं, ये पारा है कहीं गर्मी से कहीं किसी तरीके से, लेकिन 70 सीटें हमारी परफेक्ट है कि इंडिया अलायंस की उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जो एग्जिट पोल आए हैं उससे आपके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी हैं, वो हताश तो नहीं हैं, निराश तो नहीं हैं, उनको क्या कुछ बता रहे हैं आप? हमारे कार्यकर्ता आज भी निराश नहीं है, वोटिंग दमदारी से की है और मतगणना भी दमदारी से कराएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस का होगा या समाजवादी पार्टी का या TMC का, सभी लोग उत्साहित हैं। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जो ये कह रहा हो कि हम 1.5-2 लाख से कम वोटों से जीतेंगे, हमारे कैंडिडेट्स ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, अभी आप प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, मतगणना को लेकर आपने क्या टिप्स दिए हैं, क्या गुरु मंत्र दिया है कि किस तरीके से लोग लगें, क्या कुछ करें? मतगणना का टिप्स अंदर की बात है, कार्यकर्ता अपने तरीके से सामाजिक न्याय के लिए, किसी के साथ अन्याय न हो, उस मुद्दे पर समाजवादी कार्यकर्ता अपने साथ खड़े हैं और अंत तक खड़े रहेंगे जब तक अच्छे तरीके से और ईमानदारी और निष्पक्षता पूर्वक ये चुनाव नहीं होगा। चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी की तरफ कोई तरफगारी नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है और साथ ही साथ मतगणना भी हो जाएगी तो इंडिया अलायंस की सरकार 100% इस देश में बनेगी। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल अभी से उठाने लगे हैं क्या आप लोग? चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो कई जगह देखने को मिलती है, वोट देने के लिए प्रचार किया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा कि हर वोट निकले और वोटिंग करें, लेकिन वहीं पुलिस के द्वारा वोटरों को रोका जाता है,
वोटर्स की आईडी उनको चेक करने के पुलिस वालों को नहीं है, लेकिन पुलिस वाले वोटर आईडी को चेक करते हैं, उनको डरा देते हैं, धमका देते हैं, वापस चले जाते हैं, तो ये निष्पक्षता कहाँ रह जाती है। अच्छा, क्या काउंटिंग को लेकर आपने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई ड्रेस कोड लागू किया है क्या कि इस कलर का ड्रेस पहन के ही जाएं? नहीं, ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, न तो पार्टी का है, न तो कुछ है। सब लोग हमारे कार्यकर्ता अपने रिजल्ट के इंतजार में, प्रतीक्षा की घड़ी में वहाँ पर रहेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि अगर रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आता है तो आप लोग फिर ईवीएम को दोष तो नहीं देंगे? रिजल्ट हमारे अनुकूल आएगा, बेईमानी नहीं करेंगे मतगणना में। 100% की बात कर रहा हूँ कि रिजल्ट इंडिया एलायंस के पक्ष में होगा। तो धन्यवाद, ये हैं श्यामलाल जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है वो सही नहीं है, एग्जिट पोल गुमराह करने वाला है और जो एग्जैक्ट पोल आएगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 सीटें जीतेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।